संवैधानिक रूप से हमें लोग क्या बता रहे हैं, हमको सही बात बता रहे हैं, गलत बात।
हिंदुओं के जीने का आधार वेद पुराण मंदिर है, मुसलमानों के जीने का आधार कुरान मक्का मदीना है, उसी प्रकार आदिवासियों का जीने का आधार अगर कोई तो जल जंगल जमीन, और आदिवासियों की अगर मूलभूत संस्कृति का कुछ है वो आपका जल जंगल जमीन। आदिवासी प्रकृति का उपासक है और माटी का पुजारी। जब हम पैदा होते हैं हमारे जो नैक होते हैं वो माटी में, जब हम मरते हैं तो हमारे जो नैक होते हैं वो माटी में होते हैं, तो हम माटी के पुजारी और प्रकृति के उपासक हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जब व्यक्ति को होता है जब वो जन्म लेता है मिट्टी के मकान में रहता है, जब मरता है मिट्टी के मकान में रहता है, यही प्रकृति और संस्कृति का उपासक है। और ये हमारे भविष्य में इस चीज़ को क्लियर करेंगे, इस चीज़ों को देखते हुए हम दो मिनट ले जाना, हमको जो टॉपिक मिला है प्राकृतिक एवं संस्कृति, तो कैसे बचाए विस्तार कैसे बचाए। सबसे पहले हमको प्राकृति को समझना पड़ेगा कि प्राकृति क्या है। प्राकृति जिसको हम आज के वर्तमान समय में या हमारे दादा के दादा के समय से पूछ के आ रहे हैं मानते आ रहे हैं, उसी से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। जैसे कि पेड़ पौधे जमीन हवा पानी, इसकी खात्मा हमारे आज हमसे दूर किया जा रहा है, हम इनको बचाना है। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति में जो टोटेम है, टोटेम एक व्यवस्था है, वो पेड़ का खात्मा हो जाएगा तो हमारी टोटेम एक टोटेम कम हो जाएगा। वैसे एक जीव है, वो जीव को अगर खाने के पास पत्ती पानी नहीं मिलेगा वो अपने वो भी मर जाएगा, तो एक हमारी संस्कृति का एक दूसरा टोटेम है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमको प्राकृतिक को भी बचाए रखना है, जो हमारे जंगल कट रहा है उसको भी बचाए रखना है, और साथ ही जो हमारे जमीन खनन किया जा रहा है उसे खनन होने से भी रोकना है, तो साथ साथ में हमारी संस्कृति बची हुई रहेगी, जिससे हमारी संस्कृति आज भी विलुप्त होती जा रही है। बस ज्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पे सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सेवा जो है, तो हमें जो टॉपिक मिला है प्रकृति एवं संस्कृति की संरक्षण कैसे करना है एवं उसकी विस्तार कैसे करना है। तो जैसे हमारे दादा ने बताया, मैं थोड़ा उनसे अलग बताऊंगा क्योंकि उन्होंने बता दिया, मेरे मन पे भी ऐसी चीज़ें थी परंतु इन्होंने कह दिया तो उसी चीज़ को दोबारा बताना उचित नहीं होगा। तो जिस प्रकार से बताया कि नेल कस्टम टोटम खत्म होना, तो इसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, प्रकृति संरक्षण कैसे होगा। यदि आदिवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो वो किससे करता है, जल जंगल जमीन से। वो पेड़ पौधे काटता है तो काटता है उसमें कमी होती है, परंतु हमें विस्तार कैसे करना है। तो जितना हम जंगल की कटाई करते हैं पेड़ पौधे की कटाई करते हैं, तो संरक्षण के लिए हमें सारा बदल के प्रदान लगे थे बचाने कह रहा है, कैस बचा के विस्तार बताओ ने लोग कैसे ये सब यही चीज़ें करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का विरोध करना चाहिए। विरोध तब होगा जब हमें संवैधानिक तरीके से संविधान पता होगा, अनुच्छेद पता होगा। इस चीज़ की लड़ाई सिर्फ दिमाग से ना कि बल बुद्धि से, सॉरी बल से, बुद्धि से है लेकिन बल से नहीं है। तो बल तब तक था जब तक बल से लड़ा जा सकता था, परंतु ये जो जमाना है, ये जो समय है, ये जो टाइम है, ये दिमाग से लड़ने की है। जब तक दिमाग नहीं आएगा, संविधान पर तरीके से जानकारी नहीं मिलेगा आपको, तब तक आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाहे आप जितने की बलवान दस्तानी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।